छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार हो रही हैं और त्योहारों पर नशे में नाबालिग हथियार से हमला करके दूसरों को डराते धमकाते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर पुलिस प्रशासन ने ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर किए गए डेटा खंगाला है। एएसपी हरीश राठौर ने बताया कि साइबर टीम की मदद से 134 स्थानों पर पुलिस टीम ने पहुंचकर जांच की। इस दौरान 13 से 17 साल के नाबालिग बच्चों के पास सबसे ज्यादा चाकू मिले हैं। परिजनों के सामने समझाइश देकर चाकू जब्त किए गए हैं। साइबर सेल प्रभारी दिलेश्वर चंद्रवंशी ने कहा कि परिजनों को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई गलत सामान तो नहीं ऑर्डर कर रहे हैं। अभी आगामी त्यौहार को देखते हुए और होली के उपलक्ष्य पे हमने लगभग 50 नग चाकू जब्त किए हैं, जिसमें बटनदार चाकू और अन्य प्रकार के चाकू थे, जैसे पेनुमा चाकू भी थे। ये हमने जो विभिन्न साइट्स हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, उन साइट से समन्वय स्थापित करके जानकारी प्राप्त किया और जिले में तस्दीक किया, और उसके बाद में हमने लगभग 50 चाकू बरामद किए हैं। ये एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है।